very good morning students today again we are here we are discussing chapter number five from class seventh ncrt from geography book chapter name water and from water we already discussed what is the importance of water role of hydrosphere then water cycle then different type of uh, water circulations there are three type of water circulation waves we already covered in last video today we are going to discuss about tides so first we go through the first paragraph the rhythmic rise and fall of oceanic water twice in a day is called a tide very simple definition is there in the simple word you can say that tide is simply in which in tides the water level become हायर एंड आफ्टर ए इंटरवेल ऑफ टाइम इट बिकम्स डाउन यानी कि एक बार पानी क्या होता है ऊपर चला जाता है रे, रेज हो जाता है और एक बार क्या हो जाता है डाउन आ जाता है सो वट इज द रीज़न बिहाइंड इट ये होता क्यों है वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट सो मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून सो ग्रेविटेशनल पुल की बात करेंगे और यू कैन से ट्रैक्सन और यू कैन सेन्ट्रिफिकल फोर्स

और शोर से किनारे से क्या हो जाता है रिसाइड मतलब पीछे की तरफ हट जाता है नेक्स्ट द स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल पुल एक्जटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉट इज द रीजन बिहाइंड द टाइड्स द रीजन बिहाइंड द टाइड्स इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्जटेड बाय जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है किसका सन एंड द मून का लग रहा है और वो किस पे लग रहा है अर्थ सरफेस पे तो अर्थ सरफेस पे लग रहा है तो सब हल्की चीज़ क्या है पानी है वाटर है तो वाटर को क्या करेगा इजीली क्या करता है पुल करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है यहाँ पर सो वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड और जनरली आप ये देखिए कि दोनों में से इफ़ यू कंपेयर द डिस्टेंस द मून इज़ वेर नियर टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू द सन मून का जो डिस्टेंस है नॉर्मल डिस्टेंस थ्री लैक्स एट्टी फोर थाउजेंड किलोमीटर्स एंड वेयर इज एज कम्पेयर टू द सन द सन इज अराउंड फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम आस ओके सो नेक्स्ट द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूनस ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज हाई टाइट्स तो हाई टाइट्स का सिंपली आप यहाँ पर ये याद रख लीजिए कि हाई टाइड्स जब आती हैं तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है बोथ किसका लग रहा है साइमेंटलिस मून का भी लग रहा है और सन का भी लग रहा है एक चीज़ को यहाँ पर देखें फिगर 5.5 जो गिवन है इसमें वी कैन सीइंग दैट द टाइड कैन बी क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स इन सिंपल वर्ड वी कैन से हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग टाइड्स वेयर एज द लो टाइड्स आर नोन एज नीप टाइड्स सिंपली स्प्रिंग स्प्रिंग टाइट्स वी कैन क्लास वी कैन डिफाइन इट एज ए वैन द पोजिशन ऑफ थ्री सेलेस्टियल बॉडीज यू कैन से सन अर्थ एंड मून सन अर्थ एंड मून और इट मे भी सन मून और अर्थ दोनों पोजिशन हो सकती हैं सन स्टेबल रहेगा बट द पोजिशन ऑफ मून कम्स ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम द पोजिशन ऑफ मून कम्स ऑन चेंजिंग मून क्या करता है रोटेट कर रहा है अर्थ के रिवॉल्व भी अर्थ के रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कीप्स ऑन चेंजिंग ठीक है वो बदलता रहता है तो स्प्रिंग टाइट्स में जनरली आपको याद रखना है वेन द थ्री सेलेस्टियल बॉडीज कम इन ए स्ट्रेट लाइन जब वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो इट रिजल्स द स्प्रिंग टाइट्स स्प्रिंग इसलिए कह दिया एज कम्पेटेबल दाइट्स द हाइट ऑफ टाइट्स आर कम्पेटेबली वेरी हायर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइट्स स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग पे किसी चीज़ को लगा देंगे तो वो ज़्यादा छलांग मारेगी ज़्यादा उछलेगा तो सिमिलरली वेरी हाई स्प्रिंग टाइट्स ये कब होती हैं जनरली अभी थर्टी नवम्बर को लूनर uh, इक्लिप्स है तो लोनर इक्लिप्स में क्या पोजिशन रहती है अपने लास्ट वीडियो मेरा देखना आप लोग उसमें मैंने बता रखा है लोनर इक्लिप्स में कि एस ई -E एम यानी कि सन अर्थ एंड मून ये ट्रीजर्स लोनर इक्लिप्स होगा और कब होता है फुल फुल मून पे होता है पूर्णिमा के दिन होता है तो थर्टीन नवंबर को ट्वेंटी ट्वेंटी का लास्ट लूर इक्लिप्स है सो so, उस दिन क्या है वेरी हाईटाइट से होंगी सेम इसी तरीके से सोलर इक्लिप्स वाली पोजीशन पे भी अगर अपन देखें तो उसमें क्या होगा एस एम ई सन मून एंड अर्थ इक्वल्स टू सोलर इक्लिप्स होता है और वो कब होता है न्यू मून की पोजीशन पे होता है तो वो इस तीनों दोनों पोजीशंस में हम क्या देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन पोजीशन है क्लियर तो स्ट्रेट लाइन की पोजीशन जब भी होगी तो इट रिजल्ट्स क्या होंगे हाई टाइट्स आएंगे वहाँ पर उन्हें स्प्रिंग टाइड्स भी कह सकते हैं ठीक है क्लियरली सो so, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन अभी सेम लाइन की बात की थी और प्योर जोग्राफी में उस टर्म को यूज़ करते हैं सीजी की सीजिकी जी स्ट्रेट लाइन पोजिशन ओके सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईस्ट एंड दाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स बट वेन द मून इज इन इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वॉटर गैट ड्रॉन बाय डायग्नली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्ट एज ए लो टाइड्स अब आप नीब टाइड में अगर देखें तो यहाँ डायगनल पोजिशन बन जाती है या राइट right एंगल की पोजिशन बन जाती है तो क्योंकि मून अपने क्वार्टर पर चेंज करेगा पोजिशन को चेंज करता है ठीक है तो अब सन देन अर्थ एंड देन मून द मेकिंग फिगर फाइव पॉइंट फाइव में टॉप में देखिए नीप टाइड में क्या देखा सन अर्थ एंड मून अब क्या बना रहे हैं दे आर मेकिंग ए राइट एंगल पोजिशन सो जब राइट एंगल पोजिशन होती है होती है तो इट रिजल्ट और यू कैन से इट इज ए नीप टाइड इसको नीप टाइड भी कह सकते हैं नेक्स्ट बट वेन द मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन ड्राइग्नली अपोजिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून रिजल्टिंग द लो टाइड्स अभी हमने पढ़ा एंड टाइट्स आर कोल्ड नीब टाइट्स ओके फिगर फाइव पॉइंट फाइव से क्लियर है हाई टाइट्स रिजल्ट एंड द रेज द वाटर लेवल अब इफ वाट आर द बेनिफिट्स की बात करें वाट आर दैनिफिट ऑफ टाइट्स सो दे हेल्प इन नेविगेशन दे द रेज इन द वाटर लेवल क्लोज इट दोर किनारे के पास अगर वाटर लेवल बढ़ जाता है तो सिप्स होते हैं स्टीमर्स होते हैं बिना उनको स्टार्ट किए हुए दे ऑटोमेटिकली कम टू दार्पर एंड इन द लो टाइट द कम्स अवे from द हार्बर तो हा जो लोडेड होते हैं heavy लोडेड होते हैं वो बड़े आसानी से किनारे पर आ जाते हैं और किनारे से दूर भी जा सकते हैं लो tides में तो ये फ़ायदा होता है जो pollutants होते हैं ओशन के सिप से जो थ्रो किए जाते हैं वो भी क्या होते हैं हाई tides में वहाँ से कवर करता है और कवर करने के बाद वो उसको ओशन के डेप्थ में ले जाता है तो ये क्या करता है जनरली द टाइड हाई एंड लो टाइट प्रोसेस हेल्प इन क्लीनिंग द ओशन वाटर उसको साफ़ करने में मदद करता है और ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग टाइडल एनर्जी ऑल्सो ओके टाइडल एनर्जी में भी काम में आता है नेक्स्ट द हाई टाइड्स टाइड्सो हेल्प इन फिशिंग फिशिंग में भी मदद करता है मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू दोर ड्यूरिंग द हाई टाइट क्योंकि जब हाई टाइड्स आती हैं तो बहुत सारी मछलियाँ उनके साथ बहकर क्या किनारे पर आ जाती हैं एंड द फिसर मैन ईजीली कहते हैं और लो टाइड्स में फिर वो वापस चली जाती है तो वो उस समय जाल लगा के रखते हैं हाई टाइड्स में और वो पकड़ लेते हैं उसको एंड द दिस अनेबल फिशरमैन गेट ए पेलेंट कैच एंड द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज़ बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम बाय द हेल्प ऑफ टाइडल एनर्जी वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो और अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम और डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड में हाइएस्ट टाइड्स कहाँ पर आती हैं दर इट इज़ रिकॉर्ड द वर्ल्ड हाईएस टाइट रिकॉर्डेड एट गल्फ ऑफ फंडी विच इज़ सिचुएटेड इन नोवा एसकोटिया कनाडा नियर वेस्टर्न साइड ऑफ अटलांटिक ओशन वेस्टर्न पार्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो नोवा एस्कोटिया गल्फ ऑफ फंडी फिफ्टीन टू एटीन मीटर इज़ द हाइएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्डेड हाइएस्ट टाइट एंड इंडिया में कितनी टाइड आती हैं द हाइस्ट टाइट रिकॉर्डेड इन इंडिया इज़ नीयर ओखा situated at in gujarat that i at the height of three to two to three meters okay clear so hope you enjoyed this video in the next video we are going to discuss about the ocean currents okay goodbye